नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना स्टार्ट कर रहा हूं आज का ब्लॉग, और वो भी सवा छः बजे। इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई आज बीच बीच में भी कई बार सोचा कि भाई लाइव आता हूं या फिर ब्लॉग बनाता हूं, बट आज क्लिनिक पे इतना बिजी रहा कि टाइम ही नहीं मिल पाया। हमारे सारे ब्लॉग्स को प्लीज़ जल्दी से अपना प्यार देते रहिएगा, उनको सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को, और ब्लॉग को आप लाइक जरूर करते रहिएगा। ये डॉक्टर पूजा हो चुकी हैं पूरी तरह से रेडी, अभी चल लो मैडम। वाह क्या बात है, तुरंत ही जो है ये करके जो है। ये क्या है? क्या क्या है? क्या है ये? ये कोट है। ये यहाँ क्यों है? इसकी जगह है ये बात तो आप क्या मतलब, ये आपको डांट खाने का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है आजकल? तो पहले साइड में बच्चे की भी ऐसे डांट मारो, ये भी आपने लगाई होगी। मुझे एक बात तो बताओ, फिर ये मतलब जो अगर हैंगर हैं तो फिर ये हैंगर किस लिए लगे हुए हैं? ये यार हैंगर है, इसका मतलब ये थोड़ी जो मर्जी टांग दो यहाँ पे। ये टॉवल के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए, कि कभी कभी टॉवल यहाँ पे। हमारा तो हॉस्टल, हमने तो यही देखा था, हमारा तो हॉस्टल थोड़ी है, ये घर है, ये मेरा घर है। ओ माय गॉड, अब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हमारा तो पिछले कम से कम भी 10-10 दिन के कपड़े इसी पे टांग देते थे हम तो। ये अपने तुम बात कर रहे हो कितने साल पुरानी, हमारी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल पुरानी बात कर रहे हो आप। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम दिल्ली, अभी नोएडा हम पहुंच चुके हैं और बस डीएनडी पहुंचने वाले हैं। अब पिछले 15 मिनट से जो है यहीं पे ही खड़े हैं, डीएनडी निकलते इतना ज्यादा जाम है, इतना ज्यादा जाम है, पता नहीं वहां तक पहुंचने में ही कितना टाइम लगेगा। अब जब मैं आपको बोलता हूँ ग्रेटर नोएडा बेस्ट है, वो ग्रेटर नोएडा इसलिए ही बेस्ट है, अब मतलब कभी कभी जब भी इधर आते हैं मतलब कसम से पक जाते हैं, बिल्कुल जो है ना जाम जाम जाम, बहुत बुरी हालत है यार, देखना क्या बुरी हालत है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेक्टर 104 नोएडा, और 6 बजे घर से निकले थे, सिर्फ जाके मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का सिर्फ काम था। आने जाने में साउथ एक्स तक पूरे के पूरे आपके 9 बज चुके हैं, और अब भूख जितनी जबरदस्त लग रही है, तो सोचा बीच में क्योंकि कुछ खाने का भी सोचा कि अभी अब जो है सेक्टर 104 नोएडा जो है कुछ ले लेते हैं। तो अभी जा रहे हैं थियोस, और वहां पे थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे हल्का सा, वो भी इसलिए कि टाइम लेट हो रहे थे, तो गाड़ी में बैठ के अपना जो है कुछ खा लेते हैं। दिखाइए आगे आप, अभी हम आ चुके हैं थियोस और गाड़ी लगा देता हूँ पार्किंग में, चले ना दोस्तों। अभी वी आर इन थियोस, एक तो ओरिजिनल पनीर पेटी ले लो, और उधर गया तो नॉनवेज, चिली पनीर है, केस चिली पनीर, क्योंकि एक वही है ना, तो एक है, एक चिली पनीर ले लो, बाकी तो क्या बोलोगे कुछ भैया? एक बेल्जियन ट्रफल कर दो, एक हाँ पैक कर दो। तो अगर आपको बेकरी आइटम या फिर पेस्ट्री वगैरह अगर ट्राई करने हैं तो थियोस के द बेस्ट है। दोस्तों हमने थियोस से लिया है अभी कुछ खाने के लिए गाड़ी में, और अभी एक कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी लेंगे बरिस्ता से। तो आज बैठने का टाइम नहीं था, इसलिए अब हम थियोस से कुछ लेके निकल चुके हैं, और ये बहुत अच्छी मार्केट है, ये देखिएगा इधर जो है सारे के सारे बड़े अपना, तो बहुत जल्दी से डेवलप हुई है मार्केट जो है,
तीन सालों में ही सारे के सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे जो है कैफे स्वीट की शॉप होती थी पहले ना वो बंद हो गया मिठा, मिठा। आज का दिन पूरा जाम में रहा, अब व्लॉग बना भी लिया, अदरवाइज इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था उसमें ट्रैफिक में खड़े खड़े कि मैंने कहा आज नहीं बनाते व्लॉग वगैरह, सरदर्द वगैरह इतना जो है, भूख लग रही ऊपर से वो अलग। तो अभी फाइनली अभी 9:30 बज चुके हैं रात के जो है, और अभी ग्रेटर नोएडा पहुंचने में हमको कम से कम भी अभी आधा पौना घंटा, तो आधा घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। तो यहाँ पे है स्काई हाउस और हम अक्सर आते हैं खाना खाने के लिए इधर, काफी अच्छा है। और एक छोटी सी वीडियो अभी लास्ट वीक की जरूर डालूंगा आपके साथ। सैटरडे इधर आए थे स्काई हाउस में, तो डॉक्टर पूजा ने अपने बहुत जबरदस्त जबरदस्त स्टेप दिखाए थे, तो वो भी आपको एक छोटी सी वीडियो इसमें जरूर डालूंगा। से निकल के आ रहे हैं तो भाई साहब ये रोड तो ऐसे लगता है बिल्कुल एकदम जन्नत का रोड, एकदम जबरदस्त, एकदम खुला खुला बेहतरीन ड्राइव। और कहां वो रोड जो है अपने तो दोस्तों अभी 10 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा, और आज का दिन भी पूरा हेक्टिक रहा है, पूरा बहुत जबरदस्त वाला, और हमारा डेली ही ऐसे जाता है। और आजकल आप जो व्लॉग में देख रहे हो, आप ये भी समझो कि आप सिर्फ आधे घंटे का, मैक्सिमम आधे घंटे का व्लॉग देखते हो, और जिसमें वो सारी चीजें देखते हो जो मौज मस्ती वाली है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफ है पिछले 7-8 साल से, जिस तरह की लाइफ में और डॉक्टर पूजा जी रहे हैं है ना, तो ये वाली जो लाइफ आप देखते हो ये कि भैया बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो है ना, तो वो भी जरूर देखो। व्लॉग्स बनाने का पर्पज हमारा ये भी है कि भैया आप लाइफ स्टाइल तो देखो ही कि भैया किस तरह से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कि भैया बिजी होते हुए भी। तो ये एक पहलू है कि आपको ये भी देखना है कि भैया अपनी लाइफ जो है पूरी तरह से इंजॉय करो, चाहे कितने भी बिजी हैं। अगर ये इंजॉयमेंट हम ना करें तो समझो कि भाई साहब दिमाग की जो है ना ऐसी बैंड बजेगी, 2 दिन के अंदर अंदर आप पागल हो जाओगे। तो एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस एंजॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए आपके लिए काम करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हमारा समझो कि मेरा और डॉक्टर पूजा का जो काम करने का टाइम होता है वो लगभग कम से कम भी मुझे लगता है कि 18 घंटे तो वर्क है ही है, 18 घंटे काम। और आजकल तो मुझे लग रहा है 18 घंटे से भी ज्यादा ही काम चल रहा है, क्योंकि अब समझो कि 10 बजे घर, 10 बजे से फिर अभी जो है जाके ऑनलाइन कुछ वर्क करना है, उसके बाद वीडियोस वगैरह पे वर्क करना है। तो और जब सोते हैं तो सोते हुए भी सिर्फ काम ही दिखता है, तो काम करो और उसके बाद में जितना टाइम मिले उसके साथ साथ अपना इंजॉय करो, इंजॉय ज्यादा करो है ना। तो जब अगर इंजॉय नहीं करोगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तो काम भी नहीं होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी इंजॉय करो आप। आज के व्लॉग को हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता है घर जाके भी जो है बिजी होने वाले हैं। और अभी कल मिलते हैं, आज का दिन बहुत ज्यादा कोई इंजॉयफुल तो नहीं रहा, बट फिर भी आप अप्रिशिएट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।
बहुत जबरदस्त हो रहा है मौसम, लग रहा है बारिश का मौसम जो है। Hehehe